हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस लुक को। एंड अगर आपको ये लुक अच्छे लगे हैं तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ही मुफ्त है। तो फर्दर एनी डू, लेट्स जंप इन द वीडियो। ओके, सो मैं यहाँ पे फास्टली गुड वाइब्स का रोज टोन अप्लाई कर लूंगी फेस पे स्किन केयर के लिए। एंड मैं इसे थोड़ी सी ड्राई करूँगी, अपनी हाथों को ही फैन जैसे यूज़ कर लीजिए। एंड देन मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज ही सीरम यूज़ कर रही हूँ फेस पे। बहुत अच्छी एक सीरम है, बहुत अच्छी एक सीरम है, आप अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मैं सारी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये यूज़ करने से आपकी फेस बहुत ही स्मूथ हो जाती है एंड बहुत ही ग्लो भी करती है। ओके, सो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए जॉनसन बेबी का वो राइस वाटर समथिंग कुछ क्रीम है उसे अप्लाई कर रही हूँ। और जॉनसन की जो प्रोडक्ट्स है मुझे वो बेहद पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का 02 शेड है शायद, याद नहीं है, तो उसे ही यूज़ कर रही हूँ। और ये कंसीलर मेरे हिसाब से थोड़ी सी लाइट है, एक से डार्कर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सो इसे मैं पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। एंड देन मैं यहाँ पे आईब्रो को फिलअप कर लूँगी। और आईब्रो को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से कंसीलर, वही वाली कंसीलर लेके और एक एप्लीकेटर ब्रश के साथ मैं अपनी आईब्रो को थोड़ी सी जो है शार्पनेस प्रोवाइड करूँगी एंड उसको भी ब्लेंड कर लूँगी। तो उसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एंड देन मैं यहाँ पे जो है वेट इन वाइल्ड का जो रोज़ इन द एयर पैलेट है उसमें से कूल टोन ब्राउन जो है उसको लेके अपनी आईलिड को थोड़ा सा लाइक कलर प्रोवाइड करूँगी, थोड़ा सा इसको शेड दूँगी। उसके बाद मैं और जो कलर है उसको अप्लाई करूँगी। एंड अब जब भी आई शैडो अप्लाई करें तो उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। एंड देन उसके बाद मैं ये शायद हिलारी रोडा की पैलेट है और इस हिलारी रोडा की पैलेट में से जो लाइक इसमें कोई प्रॉपर रेड कलर नहीं है, लेकिन उसमें से ये जो रेडिश पिंक है उसको लेके मैं अपनी आउटर वी पे अप्लाई कर लूँगी। और अच्छी तरीके से आई शैडो अप्लाई करने का बस एक ही मंत्र होता है कि ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से कीजिए। चाहे आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडिंग अच्छी कीजिए और आपकी जो आई लुक है वो बहुत ही अच्छा निखर के आएगी। ओके, सो यहाँ पे और थोड़ा सा कलर लेके मैं पैट कर लूँगी। देन उसके बाद मैं आउटर ब्री पे अप्लाई कर लिया है। एंड देन उसके बाद इनर कॉर्नर के लिए मैं येलो कलर पिक किया हूँ हिलारी रोडा की पैलेट से ही। एंड उसको भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो येलो कलर है ये पिगमेंटेशन इसका कम है थोड़ा सा, तो उसके लिए बहुत सारा लेके मुझे पहले जो है आई पे अप्लाई करना पड़ रहा है। एंड देन उसके बाद मैं वो कौन सी था, अरे यार बताओ, वेट एंड वाइल्ड का पैलेट से वार्म टोन लेके मिडिल पोर्शन पे अप्लाई किया है ताकि मिडिल पोर्शन थोड़ी सी ऑरेंजी ऑरेंजी काइंड ऑफ नज़र आए जब आप करीब से देखो तो। एंड देन उसके बाद फिर से मैंने वही पिंक कलर लेके ब्लेंड किया है। देन फिर से येलो कलर लेके मिडिल पोर्शन को ब्लेंड किया है। और मैं स्पीड बढ़ा के आपको दिखा रही हूँ, मैं स्पीड की तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
ओके देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का पैलेट में से जो डार्क ब्राउन शेड है उसे लेके अपनी आउटर ब्री पे प्लेस करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लैक नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा डार्क करना है लेकिन ब्लैक नहीं करनी है। तो उसके वजह से मैंने यहाँ पे जो है आउटर ब्री पे अपनी वेट एंड वाइल्ड का पैलेट से डार्क कलर लेके उसको प्लेस करके देन उसको जो जिस ब्रश से मैंने वो रेड कलर पिक किया था उससे थोड़ी सी ब्लेंड कर लूँगी ताकि रेड थोड़ा सा डार्क लगे। एंड देन उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से जो वाइट शेड है उसको लेके अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी एंड देन उसको ब्लेंड भी कर लूँगी। कर लिया है शायद, बहुत ही फास्ट हो रही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी हाइलाइटर लेके आउटर कॉर्नर पे एंड ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लूँगी। आप आई शैडो कोई सा भी लगाओ, ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लो, बहुत अच्छी एक नज़र आती है, बहुत अच्छी शार्प लुक देती है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का जो बोल्ड आईलाइनर है उसको अप्लाई कर लूँगी। एंड मैंने थोड़ी सी शार्प विंग लुक क्रिएट करने की कोशिश किया है और बस इतना ही। और इनर कॉर्नर को भी थोड़ी सी जो है पॉइंटेड बनाई है ताकि आई लुक जो है वो बहुत ही बोल्ड एंड शार्प नज़र आए। मैंने यहाँ पे कोई भी ग्लिटर यूज़ नहीं किया है और ये एक वेडिंग गेस्ट चाहे तो आप लाइक कोई पार्टी, घरेलू पार्टी में या तो फिर आप लाइक हेवी कोई फंक्शन हो तो उसमें कैरी कर सकते हैं, डे में भी कैरी कर सकते हैं, नाइट में भी कैरी कर सकते हैं। एंड मैंने कोई ग्लिटर यूज़ नहीं किया है तो उसकी वजह से मैं जो है आईलाइनर को थोड़ी सी बोल्ड किया हूँ ताकि ये जो लुक है वो बहुत ही उभर के आए। और मैं यहाँ पे काजल के लिए लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैंने बहुत ही पहले ख़रीद लिया था। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था एंड देन मैं इसको अपनी, मेरी आई जो है वो थोड़ी सी छोटी है तो इसके लिए मैं काजल आउटर पोर्शन पे एंड इनर पोर्शन पे अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं काजल जो है अपनी आई की मिडिल पार्ट पे अप्लाई नहीं करती हूँ ताकि जो आई है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। एंड मैं अब जो एजेस है उसको शार्प कर लूँगी एंड शार्प करने के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करके देन उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं ब्लू हेवन की प्राइमर, जो सिलिकॉन प्राइमर है, उसका अप्लाई कर लूँगी। एंड उसे अप्लाई करने से पहले मैं थोड़े से जो फेस में हाईलाइटर या तो फिर जो आई शैडो की डस्ट पड़ा हुआ था उसको क्लीन करके देन मैं यहाँ पे अपनी प्राइमर को अप्लाई कर लूँगी टी जोन को फोकस करके। देन मैं यहाँ पे NYB की कलर करेक्टर लेके एंड उसको मैं पहले उसको ही अप्लाई करने वाली थी लेकिन इनर कॉर्नर तक गया नहीं तो मैं एक ब्रश के साथ उसको अपनी आईज़ की हाफ पोर्शन पे जितना थोड़ा थोड़ा डार्क है वहाँ पे एंड अदर्स फेस पे जहाँ पे थोड़ी सी डार्क स्पॉट है उनमें अप्लाई कर लूँगी। और आप चाहे तो पहले फेस मेकअप करके उसके बाद भी आई शैडो लुक क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होता है कि जो लाइक फॉल आउट होता है वो क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि पहले आई लुक कंप्लीट कर लीजिए देन उसके बाद जो है आप फेस मेकअप पे आइए। और मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर को ब्लेंड करके देन उसके बाद ये फिट मी का फाउंडेशन है लेकिन शेड मुझे याद नहीं है, सॉरी यार,
अगर पता चला तो मैं ये इसे भी मैंने पर्पल से बाय किया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका सीट कौन सा है, सीट ओके। तो ये एक मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप इसका जो कवरेज है इसको बिल्डअप कर सकते हैं। और ये जो फिटमी का जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है। अब तो मेरे फेस पे बहुत ही वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आप देख पाएंगे कि एकदम ही आपकी स्किन टोन पे आ जाती है। सो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, ये मेरे सेट से थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही वाइट है, तो इसको बदलना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है कंसीलर को ऊपर से नीचे की तरफ लगवाई है, ताकि मेरा जो फेस है वो राउंड है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो और भी राउंड लगे। मैं अगर इसको लाइक साइड पे लेके आती तो ये बहुत ही राउंड लुक आता और भी, तो इसके वजह से मैंने जो है ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया है। एंड मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लूज पाउडर लेके अपनी पूरी मेकअप को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से ब्राउन वार्म टोन लेके अपनी कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं मेरा जो फेस का लोअर पार्ट है कानों की तरफ वो थोड़ा सा हेवी है, तो उसको पहले मैं हाइड करके देन उसके बाद अपनी चिक्स पे एंड नोज पे एंड थोड़ी सी फोरहेड पे भी किया था। और आप देख सकते हैं कि कंसीलर की वजह से फेस थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो फिटमी का जो फाउंडेशन था वो बिल्कुल ही मेरी सिट की हो चुकी है। एंड मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट से एक बहुत ही पीच पिंक कलर है उसको लेके अप्लाई कर रही हूँ। और ये वाली जो पैलेट है बहुत ही सस्ती है, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड बस इसका ये एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी सी पाउडरी है। आप अगर इसको ब्रश से अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कीजिए। और मैं यहाँ पे उसी पैलेट से हाइलाइटर भी लेके अपनी उंगली से हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। मुझे हाथों से अप्लाई करना पसंद है ब्रश से ज़्यादा, तो बस मैं क्यूपिड बो पे, चिन पे एंड फोरहेड पे, नोज़ पे, गाल पे जो है हाईलाइट अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए पहले तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर पिक किया था, और ये प्योर रेड है, ये NYB की जो ऑयल वाला लिपस्टिक है वो ही है। और इसका सेड मैं आपको लिंक में मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये बहुत ही वाइब्रेंट नज़र आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं इसके ऊपर और एक न्यूड कलर लिख के प्लेस कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा जो है स्वीट आ जाए नज़र कलर। तो या गाइस, मेरा फाइनल लुक यही है। अगर आपको ये लुक अच्छे लगे हैं और भी इसी तरीके की मेकअप लुक या तो फिर DIY ट्यूटोरियल्स सब कुछ देखना है, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड टिल देन, बाय, टाटा एंड सी यू गाइस, बाय।